हरे कृष्णा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मीन राशि के बारे में कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आपको सफलता किस फील्ड में मिलेगी, नौकरी की कैसी स्थिति रहेगी, माली हालत आपकी कैसी रहेगी, ये सारी बातें बताएंगे। संततियों की कैसे प्रगति होगी और आज आपका स्थानांतरण होगा या नौकरी में पदोन्नत होगी, ये सब भी बताएंगे। आज आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको उपाय क्या करना है। यदि आपको मेरा कार्यक्रम वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखिए, जन्मतिथि लिखिए और जन्म स्थान लिखिए और अपना प्रश्न लिखिए। तो नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कालखंड बढ़िया है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता मिलेगी। पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक विकास होगा। यदि आप मंदिर इत्यादि का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। यदि आप एजुकेशन में एकेडमिक कुछ बड़े लेवल पर प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान में आपको सफलता मिलेगी और रोग और शत्रु परास्त होंगे, आपकी माली हालत अच्छी होगी, पुराने स्ट्रेंजर के मिलने से आपको सफलता मिलेगी, नया कार्य हो सकता है उसका भी प्रबल योग बन रहा है, दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, माता पिता का सुख मिलेगा। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजय श्री मिलते हुए दिख रही है। खर्च पर नियंत्रण करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। लालित्य कला के क्षेत्र से आज आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि आप स्केचिंग, पेंटिंग, राइटिंग का कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए साहित्य लेखन के लिए, पुस्तक लेखन के लिए, पेंटिंग के लिए और राइटिंग वर्क के लिए बहुत ही सराहनीय है, अच्छा है, आपके पक्ष में है, अनुकूल है। उसमें अगर आप किताब उताब लिखते हैं तो आपकी कहानी हिट हो सकती है, आपकी किताबें हिट हो सकती हैं, पुरस्कृत हो सकती है। और एकेडमिक रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एजुकेशन के फील्ड में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन उस कार्य को करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। सरकार से लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है और बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। अगर कोई भाई परिवार में भाई बंधु अविवाहित है तो उसके विवाह का भी योग बन रहा है और दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है। मन आपका कारण उद्विग्न हो सकता है, अज्ञात चिंता से मन आपका चिंतित हो सकता है, जो जिसका कोई कारण नहीं होगा। आज आपको सावधानी की अवरतनी है। सावधानी बरतने के अज्ञात भय से भयभीत न हो, मन को प्रसन्न रखें और पॉजिटिव सोचें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि चिड़ियों को दाना खिलाएं और किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें, उसको पुस्तक दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्ण।